नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ लेटेस्ट न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। सीआईएसएफ के जवानों ने युवक को पीटा, कोयला चोरी के आरोप में पहले मारा फिर वीडियो बनाकर किया वायरल। सूरजपुर जिले में एसएसीएल के गायत्री कोयला खदान की सुरक्षा में लगे सीआईएसएफ जवानों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मामला सिटी कोतवाली क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक 24 जून को युवक टोमिन राम घूमने के लिए सएसी लके गायत्री कोयला खदान गया था। यहां वो गलती से प्रतिबंधित एरिया में घुस गया, जिसके बाद उसे सीआईएसएफ जवानों ने पकड़ लिया। जवानों ने कोयला चोरी का आरोप लगाते हुए इसकी सरेआम बेरहमी से पिटाई कर दी। उन्होंने पिटाई का वीडियो भी बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद जवानों ने युवक को कई घंटों तक बंधक बनाकर रखा। बाद में सीआईएसएफ जवानों ने उसे छोड़ दिया, तब वो किसी तरह से घायल हालत में अपने घर पहुंचा। परिजन उसे इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में ले गए। इधर पीड़ित युवक और उसका परिवार इतनी दहशत में है कि वे पुलिस के पास भी नहीं गए। पीड़ित के बड़े भाई का कहना है कि वो 10 सालों तक आर्मी में काम कर चुका है और उसके भाई को इस तरह से पीटा जा रहा है। हालांकि परिवार का कहना है कि उन्होंने अभी तक आरोपी जवानों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं कराया है, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं झूठे मामले में युवक को न फंसा दिया जाए। वहीं स्थानीय लोगों में खदान प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी है। लोगों का कहना है कि आए दिन कोयला चोरी का आरोप लगाकर आम लोगों की पिटाई की जा रही है। इधर इस मामले में एसएसीएल प्रबंधन ने चुप्पी साध रखी है। कोई भी संबंधित अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है।